मतलब इस मरतबा जो सियालकोट में एक बड़ा एक मुनफरद टूर्नामेंट उड़ाया गया है जिसके इनाम मेरे हाथ 2 करोड़ रुपए थे, वो किस तरह मैनेज हुआ टूर्नामेंट, किस तरह इतना बड़ी रकम के टूर्नामेंट मैनेज करना? ये भी 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया सियालकोट के। अच्छा, सब ने लोगों ने एंट्री पहले जमा कराई। अच्छा, पहले एंट्री जमा हो गई थी, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और उस टूर्नामेंट को और सारी दुनिया में सही और जितने लाइक उसको या उसको देखा गया वो उत्तर प्रदेश में आज कितनी में आज इसी तरह ही है, क्योंकि वो इतना हाईलाइट हो हमारा टूर्नामेंट का कि अल्लाह ताला ने बड़े इज्जत से और आसानी और अच्छे खिलाड़ियों के साथ उसको पाया तक तक पहुँचाया। सही, और उस्ताद आशीष हुसैन पार्टी जो है वो विन कर गई, पहला इनाम उनके शिकेत में जीता है, दूसरा पीर मौजम अली शाह ने, तीसरा फेरा उनका आशीष हुसैन साहब ने, तो बहुत अच्छे मतलब उन्होंने कबूतर उड़ाए। सही, माशाल्लाह। तो उन्होंने वो हक मैं तो मौसम का भी कुछ खिलाड़ियों को मौसम का सही फर्क पड़ा है, पर गेम है ये गेम है, बस जो जीतता है वही इसके अंदर होता है। सही माशाल्लाह। अच्छा साथ मतलब ये टूर्नामेंट उड़ाने का जो सबसे अहम पहलू आइडिया, किस दिन में आइडिया किसका, यानी कि किस तरह मुशावरा चली? आइडिया आसम साहब ने हमारे साथ मुशावरा करके, मुझे मेरे साथ और आशिक सैन साहब के साथ तीनों ने हमने मुशावरा करके इसको आगे चलाया। सही, इनकी उनकी कावज के बारे में। सही माशाल्लाह। फिर सारी मीटिंग बैठ के सारा इसको डिसाइड किया, इसके रूल्स वगैरह ये काफ़ी बीच में मुहालफत भी हुई काफ़ी काफ़ी वगैरह, अल्लाह ताला ने पाया तक पहुँचाया में इंशाल्लाह से प्रोग्राम हुआ करेगा। अच्छा, असूज में फिर देखने को मिलेगा, असू में जेठ में इंशाल्लाह बड़ा होगा, जेठ में होगा, असू में भी होंगे, शूट करेगा असू में भी होंगे, पर जेठ में ये बड़ा इवेंट जो है जेठ में, जेठ तो रहता नहीं है इस मरत, कभी कभी हो जाता है, पिछले साल एक दिन भी बारिश नहीं आई, नहीं आई ऐसे पिछले 2 साल उससे 2 साल पहले 3 साल पीछे भी 7 दिन बाद, और ये तो अल्लाह के काम है फिर जो जो अल्लाह को मंजूर है होना तो। हाँ, ये तो है मौसम का, बस अल्लाह ताला साफ ही रखे सही रखे, तो चलो एक दिनों में दुख नहीं रहता जिनके कबूतर जाते हैं फिर उड़ा के जीता। इसमें मैंने देखा सादे मोहतरम के इवेंट जो ना इनामात की जो तरतीब है वो बड़ी प्यारी दी गई है, इनामात वो काफ़ी 20-40 नाम थे, 20-20 नंबर तक एवरेज के नाम रखे गए थे, 20 आगे रखे गए, मतलब काफ़ी हर बंदे को कुछ ना कुछ मिला है। हाँ जी, बाकी 20 बंदों को जो पीछे रह गए उनको निकलना। सही, वरल बहुत अच्छा हुआ जी, बड़ा लोगों ने लुत्फ दिया इस कप से, साथ में मतलब माशाल्लाह जी सियालकोट से कबूतरबाजी का आगाज हुआ, ये सारी दुनिया को बताया, तो बड़े डिफरेंट टच में देखने को मिलते हैं, इस मरतबा ये 2 करोड़ वाला और साथ में 7 बजे के पार वाला जो उस टाइम था वो भी एक आसम मुकाबला लगाया था, तो बहरहाल उनका कबूतर तो नहीं बैठा, चलो बेस्ट ऑफ लक इंदा के लिए, इंदा के लिए वो तैयारी अच्छी करेंगे। हाँ जी, फाइटर है वो, इंशाल्लाह अगले साल फिर शौक अच्छा दिखा। सही, अच्छा साथ में कुछ आइडिया आप ढूंढते रहते हैं क्या? मैं बस वैसे ही बैठे बैठे वो आ जाता है, चलो जी ये भी लगा नया टच लगा दे, नया टच हो गया थोड़ा सा। इस दफ़ा जो है उसने साजी आसम साहब ने जो किरदार अदा किया कबूतर परवरी में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किरदार जुनून को और उसकी जो किरदार उनकी दिलेरी बता देते हैं, उन्होंने माशाल्लाह शौक परिवार चढ़ाया, अगर वो थोड़ा इतना बन नहीं कर सके फिर भी बाद में उन्होंने कम बैक किया तो आंदा इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। शाह जी कुछ सुनने में आ रहा है कि जी 7 बजे के बाद वाले जो मुकाबले हुए हैं उनको हम आगे टूर्नामेंट में भी देखने को मिलेंगे, मैं क्या नहीं करा सकते टूर्नामेंट इंशाल्लाह होगा सियालकोट में ही होगा या अवर पंजाब होगा? सियालकोट जिले में, जिले के लेवल में ठीक होगा सर, वो एक जैसा मौसम होता है दिन एक जैसा। हाँ जी, हाँ जी, वो सबके साथ इक्वल चलता है, टूर के मुकाबले जो है ना वो दस्ते नहीं है। ठीक है, एक बार अभी लोगों को मुकाबले सुन रहा है, कोई कोई वीडियो में देख रहा हूँ तो लोग बातें कर रहे हैं जी मौसम खराब हो गया जी, हमारे कबूतरों को ये हो गया बोला, तो हमारे नहीं गए जी जी, उंगली उठा रहे हमारे जो गए
وہ کون ذمہ دار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ تو کسی کا کوئی یہ دفعہ آپ کے ساتھ کافی مشابہت اگر آپ اگر ہم تاریخیں آگے پیچھے کرنے شروع کر دیتے یہ تو روزانہ مطلب ڈسپیوٹ اٹھتے رہیں گے کہ نہیں آج نہیں اٹھانے جی ہم نے یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا تو یہ ساری بات یہی مطلب بندہ فیصلے کرتا رہے گا اٹھانے یا نہیں اٹھانے یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تاریخ آگے پیچھے نہیں ہونی نہیں ہوگی بالکل جس دن اٹھ جانے ہیں اس دن سے بس وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی جو سوچ کی ہوں گی وہ بھی فکس ہوں گی وہ فکس لان ہو گیا جو لان ہو گیا ان کو آگے پیچھے نہیں ہوگی چلو ماشاءاللہ